नमस्कार। मंदार माला कुलदायकाय कपालमालंक शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के बहुत ही बड़ा आरोग्य, सुखदायक, सौभाग्य, सुख और संतान समृद्धि के लिए हमारा है कि सनातन धर्म में सबसे बड़ा पर्व के रूप में हरितालिका तीज व्रत के नाम से बहुत ही प्रख्यात और सनातन धर्म में महिला सब के लिए सबसे बड़ा पर्व के रूप में भी माना जाते हैं। हरितालिका जे व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के दिन, खास करके तृतीया तिथि में हस्त नक्षत्र संयुक्त, जब भादो महीना के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि दिन हस्त नक्षत्र जब युक्त हुई छथिन, तब ओहि दिन अपने के हरितालिका नामक तीज व्रत से विख्यात सनातन धर्मावलंबी सब जतिक भी महिला सौभाग्यवती छथिन, उनका सबके सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए, सुख संतान और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए महिला सबके सबसे बड़ा पर्व के रूप में भी मानल जाते हैं। एहि बेर हरितालिका तीज नामक व्रत 2081 साल भाद्र महीना 21 गते शुक्रवार के दिन, तदनुसार 6 सितंबर 2024 ईस्वी सन के दिन पड़ रहा है। एना पंचांग अनुसार देखल जाए तो तृतीया तिथि बृहस्पतिवार के दिन ही 12 बजे के उपरांत लाग रहा है, किंतु शास्त्र के निर्णय सिद्धों अनुसार हस्त नक्षत्र भी अपने के बृहस्पतिवार के दिन ही दिन भर से 60 दंड यानी दिवा और रात्र हस्त नक्षत्र से, किंतु शास्त्र अनुसार निर्णय सिंधु के अनुसार पंचांग निर्णय के अनुसार यांग तथम समरोप्राप्य उदम याति भास्कर, यानी सूर्योदय के हमरा यहाँ के मान्यता है कि जिस तिथि में सूर्योदय हो उसी तिथि के मान्यता दिल जाए। ते अनुसार निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु के अनुसार हरितालिका तीज नामक व्रत शुक्रवार के दिन 21 गते 6 सितंबर के दिन ही मनाल जाए। हरेक महिला अपन अपन हरेक महिला संसार के चाहे छथिन कि हमार सुख सौभाग्य की वृद्धि होए, हम सुहागिन रही, सौभाग्यवती भक सुख संतान के कल्याण के लिए, अपना घर में सुख समृद्धि के लिए, व्यापार के उन्नति के लिए तथा बाल बच्चा के उन्नति प्रगति के लागी हरेक महीना कामना करी छथिन, और अई कामना से पति के आरोग्यता प्राप्ति होए, तै के लिए खास करके भगवान शिव से ओहि दिन हरितालिका तीज में भगवान शिव के प्रमुख देवता मानिकऽ उनका साथ पूजा कल जाए, और उनकर ये आराधना में रात्रि भर जागरण कऽ कऽ हरेक महिला सब अपने के उनकर अनुष्ठान करी छथिन। हरितालिका तीज में सबसे प्रथम भगवान शिव के कलश गणेश के पूजा करके, गणेश अम्बिका के पूजा करके कलश के स्थापना धान्य पर स्थापना कल जाए, जी कलश में आम्र के पल्लव या पंच पल्लव, आम, बर, पीपर, पाखर, गुल्लर इत्यादि 5 पल्लव रख करके गंगा जल से भर कर, और वही में पैसा, सुपारी, पान रख करके दूभी, पुष्प, गंध, अक्षत इत्यादि से नारियल कपड़ा लपेट कर, लाल पीला उजला कपड़ा से लपेट कर नारियल की स्थापना करी। तत्पश्चात एक चौकी या पीढ़ा पर भगवान शिव के प्रतिमा हो, घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग, नहीं तो एक मिट्टी के प्रतिमा बना करके शिवलिंग शिव पार्थिव बनवा करके निर्माण करके ब्राह्मण के द्वारा पार्थिव निर्माण कराकर ओहिमे जे है से भगवान शिव के माता पार्वती जी के ध्यान धरित, ओम नमः शिवाय के उच्चारण करित, और अहि प्रकार से मंत्र मंदार माला कुलिता एकाई कपाल मालंकृत शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय, अहि प्रकार से भगवान शिव के माता पार्वती सहित ध्यान धरित उनकर पूजा करक चाहि। तत्पश्चात अक्षत से उनकर आवाहन क कऽ आसन द कऽ, और तत्पश्चात उनका जल से अभिषेक, दूध से, फल फूल के रस से और अनेक प्रकार के चीज़ से रुद्राभिषेक मंत्र से उनका अभिषेक करवावक चाहिए, और तत्पश्चात अभिषेक के पश्चात उनका बिलपत्र में राम नाम लिख करके ओम नमः शिवाय के उच्चारण करित भगवान शिव जी पर बिलपत्र के अर्पण करी, और तत्पश्चात उनका अनेक प्रकार के गंध, पुष्प, वस्त्र, जनेऊ, यज्ञोपवीत, पुष्प चंदन और भगवान शिव के पीला चंदन अर्पण करी, माता पार्वती जी के लाल चंदन तथा सिंदूर अर्पण करी, और तत्पश्चात हरेक महिला माता पार्वती जी के 5 बार सिंदूर अर्पण कऽ कऽ अपना मांग में स्पर्श करावक चाहिए। एहि प्रकार से माता पार्वती जी के आशीर्वाद के द्वारा अपने के सौभाग्य वृद्धि होए, हरेक महिला सुख संतान समृद्धि से व्याप्त होए, तै के लिए माता पार्वती जी के भी अनुष्ठान करक चाहिए। माता
पार्वती जी तथा भगवान शिव भोलेनाथ के सुंदर दिव्य स्वरूप मन में धारण कर उनका जो हरेक प्रकार के श्रृंगार मेहंदी चूर्ण हल्दी चूर्ण और अन्य प्रकार के उपटन के समान श्रृंगार के समान प्रसाद और ऋतु फल अ समय में जे जमेरी नींबू छ मक्का छ मकई छ और अनेक प्रकार के हन वस्तु सब जे अ समय में ही उत्पन्न हो प्रकार के अ समय में ही पायल जाए तेहन तेहन फल फूल सब ऋतु फल इत्यादि उनका अर्पण करी। आम्रपत्र रचित माला आम के पत्ता के माला बना करके उनका अर्पण करी। अकौन के माला यानी मंदार पुष्प भगवान शिव के बहुत ही प्रिय छे ते के कारण से मंदार फूल के ही माला भगवान शिव पर अर्पण करी। आम के पत्ता के भी माला अर्पण करी। तत्पश्चात उनका धूप दीप नैवेद्य सुनकर पूजा करी और एकटा प्रसाद जे मांस के चंगेरा में चढ़ाकर भगवान शिव के अर्पण करी। एकटा प्रसाद गणेश जी के और माता पार्वती जी के अर्पण करी। तत्पश्चात सामा के चूर्ण हाथ में लौक और भगवान शिव के हरितालिका व्रत के कथा सुनवाक चाहिए। हस्त नक्षत्र में तृतीया तिथि के दिन हस्त नक्षत्र पड़ला से चंद्रमा के विवास भेला कारण और भगवान शिव के एहन स्वरूप है जे दिगंबर वस्त्र धारण कैले छथिन और बाघ के चम्र पर उनकर आसन छ। तत्पश्चात उनका माथा पर चंद्रमा गंगा जी सहित ललाट पर अनेक प्रकार के तीसरा नेत्र और सामने बगल में भगवान शिव के माता पार्वती जी विराजमान छथिन जिकरा अर्धांगिनी भगवान शिव के अर्धांगिनी माता पार्वती सहित उनकर ध्यान धक उनका प्रार्थना करित कि हे भगवान शिव हे माता पार्वती हमें सौभाग्य दो। हे माँ पार्वती हमें सुख दो। हे माँ पार्वती हमें सौभाग्य दो। हे माँ पार्वती हमें सुख संतान दो। ऐसी कई प्रकार से प्रार्थना करित माता पार्वती जी के और भगवान शिव के प्रार्थना करित यथाशक्ति जागरण पूर्वक में हरितालिका तीज व्रत में जागरण के भी विशेष महत्व से ते के कारण से जागरण करित रात्रि भर जागरण करित भगवान शिव के तपस्या में लीन रही। उनकर ओम नमः शिवाय का उच्चारण या फिर महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकम वंदनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् अय मंत्र सब भगवान शिव के रिझावे उनका प्रसन्न करी। ओम नमः शिवाय का उच्चारण करी। तत्पश्चात उनका रात्रि भर बेलपत्र से पुष्प से धूप दीप नैवेद्य से उनका प्रसन्न कक भगवान शिव के अय प्रकार से पूजा करी और पूजा कैला के पश्चात सुबह में ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ करके स्नान कक और भगवान शिव जी के आरती करके ओम जय शिव ओंकारा अय मंत्र से भगवान शिव के आरती करी और आरती कैला के पश्चात कोई बालू के प्रतिमा की मिट्टी के प्रतिमा के लेकर के उनका जैसे जल में प्रवाह करी। तत्पश्चात घर में अला के बाद बांस के चंगेरा में एना तो शास्त्र में कहल गेल छे कि सोना चांदी तांबा या बांस के पत्र में अन्न गोदान दक्षिणा इत्यादि रख करके और भगवान ब्राह्मण के निमित्त दक्षिणा इत्यादि निकाल करके और तब सामा के चूर्ण से और गाय के दूध से पारण करी। तुलसी दल से गाय के दूध से तथा सामा चूर्ण से पारण करवाक चाहिए। सबसे पहले सामा के चूर्ण से पारण करी। अय प्रकार से व्रत जे करी छथिन भगवान शिव कहे छथिन कि उनका 1000 समेध और सैकड़ों वाजपेय कला के फल प्राप्त होते थे जे के कारण से हरेक महिला अपन अपन पति के सौभाग्य के लेन घर में सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति के लागी हरितालिका तीज नामक व्रत सबसे विख्यात और सब लोग के बड़ा ही आनंददायक छ। अब प्रारंभ करी अगे कथा से तो अपने सबके बीच में आ रखले हरितालिका व्रत के तीजक कथा से तो सबसे पहले कथा के प्रारंभ में भगवान शिव के और माता पार्वती जी के ध्यान से मंदार माला कुलिताय काय कपाल मालंकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। भगवान शिव जे दिगंबर वस्त्र धारण कैले छथिन और भस्म पूरा शरीर भस्म लगा करके जटा में अनेक प्रकार के अलंकृत मुंडों की माला से शोभित भगवान शिव तथा माता पार्वती जी जे अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण सिक्त छथिन उनका शरीर पर अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण वस्त्र अनेक प्रकार के अलंकार अनेक प्रकार के श्रृंगार और अनेक प्रकार के इत्र से युक्त छथिन। एक प्रकार भगवान शिव तथा माता पार्वती जी के हम प्रणाम करी छी। माता पार्वती जी भगवान शिव से पूछे छथिन कि हे भगवान हे देवाधिदेव हे महादेव हे स्वामी हमरा द्वारा कौन सा एहन पुण्य कर्म कैल गेल जे अपने के हम आधा आसन प्राप्त कैलों और अपने के अर्धांगिनी के रूप में हम अ जन्म में प्राप्त भेली एहन कौन सा एहन पुण्य छे और कौन सा एहन व्रत जप तप यज्ञ हम कैलों जे के द्वारा अपने सन स्वामी के हम प्राप्त कैलों।
भगवान शिव कहे छथिन, हे देवी, जिना नदी में गंगा, पुराण में महाभारत, वेदों में सामवेद, नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, देवताओं में विष्णु भगवान और इंद्रिय में मन सबसे श्रेष्ठ है, वही प्रकार से सभी व्रत में हरितालिका नामक तीज व्रत सब महिला सब के लागी सबसे उत्तम कहल गेल छै। जे भी महिला मनचाहा वरदान प्राप्त करय चाहे छथिन, जे महिला अपन पति के सौभाग्य प्राप्त करय चाहे छथिन, पति के आयु लंबा होय लागी चाहे छथिन, उनकर सुख और आरोग्य के कामना करी छथिन, एहन जे घर में खुशहाली चाहे छथिन, ओहन महिला सबके हरितालिका तीज व्रत करबाक चाहिन। भगवान शिव कहे छथिन कि हे देवी, अइ जन्म से पूर्व अपने हिमवान राजा के यहाँ अपने के जन्म भेल। हिमवान राजा जे बड़ा ही एक हिमालय के गोद में बसल एक बड़ा ही सुंदर गाँव, तई के राजा के यहाँ अपने के जन्म भेल। लेकिन अपने के राजमहल में जन्म भेला के बावजूद भी अपने बचपन से ही भगवान शिव जी के एकमात्र पति के रूप में, भगवान शिव जी के एकमात्र आराध्य के रूप में अपने उनका तपस्या में लीन रहन। बचपन से ही अपने राजपाट के सुख सुविधा सब छोड़ कर और भगवान शिव के तपस्या में अपन समय के व्यतीत कहलूँ। कभी भी अपने राजपाट के सुख सुविधा और अनेक प्रकार के ईश्वर में अपने को मतलब नहीं रहा। अपने बाल्यकाल से ही भगवान शिव की तपस्या में एतेक अपने रत रहलों, जिसके कारण से अपने 64 वर्ष तक धुआं पी करके रह, 12 वर्ष तक अपने जही से सूखा पत्ते खा के रह। जब माँ के महीना आवे तब अपने जल में बैठ करके तपस्या करी। जब बैसाख के एकदम कड़कड़ाके के जब अपने के धूप आवे तई में अपने चारों तरफ से अग्नि जला करके बीच में बैठ करके अपने तपस्या करी, पंचाग्नि तपस्या करी। यानी अपने अपना शरीर के अई प्रकार से कोनो भी कष्ट से नहीं छोड़नी, जे कष्ट असहनीय है ये सब असहनीय कष्ट दे करके भी अपने भगवान शिव के प्राप्ति के लागी बचपन से ही अपने कष्ट कर लो। ऐ सब के कारण से अपने के माता पिता हिमवान बड़ा ही दुखी छला और सोची छला कि हम अपन कन्या के विवाह कौन एहन योग्य वर के साथ करें। अही बीच में नारद जी अपने के घर पर आला राज दरबार में, और दरबार में अला के बाद नारद जी के स्वागत भेल। नारद जी कहला कि हे हिमवान, अपने के चाहे कि अपने के अपन कन्या के विवाह कोनो योग्य वर के साथ कर, और भगवान विष्णु के समान इस संसार में दूसर कोई भी योग्य वर नहीं है। सुंदर, दिव्य, पुरुषार्थी और सबसे बड़ा संपन्न और संसार के पालक भगवान शिव के, भगवान विष्णु के समान दूसर कोई योग्य वर नहीं है। ते लेल अपने के चाहे कि अपन अपन कन्या के विवाह भगवान विष्णु के साथ करी। गिरिराज हिमवान बड़ा ही प्रसन्न भेला और अपना पूरा नगर में बड़ा ही बात के अपने के फैलाला कि ठीक छै, हम जे अपन कन्या के विवाह भगवान विष्णु के साथ ही तय करब। अब पूरा राजमहल के सजावट होबय लागल। नगर में ढोला मृदंग, ढोलता से अनेक प्रकार के शंख और अनेक प्रकार के सजावट सब होबय लागल। ये सब सजावट देख करके माता पार्वती जी अपना घर में आला और अपना माय से जाकर पूछी छथिन कि हे माय, हमर इस राजमहल के जो सजावट भ रहा है की कारण से भ रहा है, और कोनो खास कार्यक्रम से अपना सबके दरबार में या अपना घर में? मैनावती यानी गिरिराज जी के पत्नी कहे छथिन कि पार्वती, अहाँ के विवाह भगवान विष्णु के साथ तय भगल छै, जे के सजावट चल रहा है। इस सुनते के साथ ही पार्वती माता वहाँ से दौड़ित दौड़ित अपना सखी के पास अभी छथिन और वहाँ पर जमीन पर लेट करके अपन प्राण त्याग के बात करी छथिन। सखी उनका कहे छथिन जरा संस्कृत में तालिका कहल जाए छे, तो सखी कहे छथिन कि हे पार्वती, प्राण के किया त्याग, चलू एहन बन के चली छी जहाँ पर पिता के और अन्य के कोई व्यक्ति के पता नहीं चले। तो सखी द्वारा पार्वती जी के एहन भयानक जंगल में ले जाएल जाए छे जहाँ पर किकरो पता नहीं चले। एहि प्रकार से माता पार्वती जी के सखी लोग ले जा करके और भयानक जंगल में गुफा में जा करके रह लगे छथिन। किसी दिन के बाद जब मुहूर्त, शादी के मुहूर्त जब नज़दीक अबे छै, तो गिरिराज महाराज अपन सैनिक के द्वारा, अपन सब सेना नायक के द्वारा चारों तरफ पार्वती जी के पता लगबे छथिन। कहीं से पता नहीं चलला के बाद भगवान गिरिराज महाराज स्वयं जे अपन पार्वती जी के पुत्री के खोजक लागे निकल जाए छथिन। रास्ता में बेहोश भेला के बाद गिरी छथिन, फिर उठी छथि। भूख और प्यास से पीड़ित राजा गिरिराज जे बारम्बार गिरी छथिन, उठी छथिन और अपन पुत्री के व्याकुलता में बारम्बार अनेक प्रकार के शब्द सब बरबराइत रहे छथिन कि हमर पुत्री के की भ गेल, कहाँ चल गया, कोई देवता किन्नर न तो उनका हर लेलथिन, या फिर कोई व्याघ्र या सिंहक जंतु सब खा गला, कहाँ चल गया, हाय हाय हमारे पुत्री के की भ गेल। अ प्रकार से व्याकुल भ
हिमवान जी महाराज जंगल जंगल भटके छथिन और अपना पार्वती जी के खोज के लागी। जब यह भादो के महीना शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि हस्त नक्षत्र सुक्त जवायल तो माता पार्वती जी के सखी कहे छथिन कि हे सखी आय के दिन बड़ा ही सुंदर मुहूर्त है। आय के दिन यदि अपने भगवान श्री के रिझाव सकब उनका यदि पूजा अनुष्ठान से अपने प्रसन्न कर सकब तो अपने के मनोकामना पूर्ण भ जात। से आई हरितालिका नाम के तीज नाम के जो व्रत छ वो करवाक चाहे। माता पार्वती जी उनका से कन्विंस भ के ऊ जे अपने के दिन उपवास रखे छथिन और बालू के प्रतिमा बना कर के भगवान शिव के दिन भर रात्रि भर जागरण करके उनका फूल बेलपत्र अनेक प्रकार के कंदमूल फल पुष्प धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजा करी छथिन। रात्रि भर जागरण पूर्वक भगवान शिव की आराधना करी छथिन जे के कारण से सुबह में ब्रह्म मुहूर्त के समय भगवान शिव के आसन डगमगा उठैया और भगवान शिव तत्काल वहाँ पहुँच जाए छथिन जहाँ माता पार्वती जी भगवान शिव के अनुष्ठान करी छथिन। वही जगह पहुँचला के बाद भगवान शिव जय पूछी छथिन कि हे देवी अहाँ मांग अहाँ की चाहे छी अहाँ के पूजा से प्रसन्न छी। माता पार्वती कहे छथिन कि हे भोलेनाथ यदि हमारे पूजा से अपने प्रसन्न छी तो हमार पति के रूप में अपने स्वीकार हमारा पत्नी के रूप में स्वीकार करो हमार पति बन जाओ। भगवान शिव तथास्तु कही करके वहाँ संतर ध्यान भाई छथिन। माता पार्वती जी उस बालू के प्रतिमा के लौकर जल में प्रवाह करे छथिन और उस जंगल में कुछ नहीं मिली छे तो सामा के से उन अपने के पारण करथिन यानी सामा के फल से अपने के पारण करथिन। सुबह में पारण कला के बाद कंदमूल फलाहार से अपने के यही भोजन कलखिन। तखने उनकर पिताजी खोजित खोजित अपने के कुछ दूर पर आब करके और वो माता पार्वती जी के देखित बेहोश होकर गिर पड़ल। उठला के बाद पार्वती जी दौड़लथिन अपन पिता के गला से गला लगेला और गिरिराज कहे छथिन कि हे पुत्री हम अपने के नहीं पहचान सकनी अपने के यदि इच्छा भगवान शिव से ही विवाह के रहे तब चलो अपने जना चाहते रहते हैं अपने चिंता नहीं करूँ अपने चलो हमारा साथ राजमहल में अपने के विवाह भगवान शिव के साथ ही तय कर ले। गिरिराज माता पार्वती जी के ले आकर के और अपना राजमहल में बड़ा ही धूमधाम के साथ शास्त्र में धर्मशास्त्र में कहल जाए छे कि आज तक ओहन विवाह अपने के उस सनातन धर्म में पहले के समय में नोहन कहियो विवाह भेल छे न आज के समय में भी ओहन विवाह हो सके छे। यानी जतेक भी संत छथिन जतेक भी प्रवचनकर्ता छथिन जतेक भी विद्वान छथिन जतेक भी धर्मशास्त्र के ज्ञाता छथिन सब अपने के कहे छथिन कि भगवान शिव जी के और पार्वती जी के विवाह एतेक सुंदर और एतेक अपने के विशाल भेल छे जेकर अपने के कहीं कोई वर्णन मतलब ओकर वर्णन प्रशंसा नहीं कल जा सकी छे शब्द ओकर नहीं छे एतेक सुंदरता से कल गेले। हरेक प्रकार के देवी देवता हरेक प्रकार के लोग हरेक प्रकार के भूत प्रेत पिशाच नर यक्ष गंधर्व सब कोई अपने के बराती में शामिल होइ छथिन और भगवान शिव के प्रथम बेर जीवन में ओहन सजावट भेल जाय छै जहाँ नागमणि से नाग से अनेक प्रकार के सर्प के जे प्रजाति छै 64 प्रकार के ओहि सब प्रकार के सापों से उनका सजायल जाय छै। कमर का स्कंद हृदय कंधा उनकर मुकुट सब सारा सर्प के द्वारा बनाल जाय छै और एक प्रकार से जब अपने के उनका नंदी पर सवार भव का भगवान शिव जब परात में निकली छथिन तो कहल जाए शास्त्र में हर एक विद्वान कहे छथिन कि नेति नेति यानी ये उनका प्रशंसा नहीं कर सके ततेक सुंदर विवाह हो तो भगवान शिव के और पार्वती जी के बड़ा ही आनंददायक विवाह के सम्पन्न हुई है। व्रत के नाम हरितालिका तीज किएक पड़ल तो तृतीया तिथि के दिन कल जाइए तय के कारण से व्रत के नाम तीज भी कहल जाइए और सखी लोग माता पार्वती जी के हरण कह जंगल में लगल छथिन जे के कारण से व्रत के नाम हरितालिका भी कहल जाए। अब अई व्रत के दिन जे है से जे भी महिला अपन सुख संतान और सौभाग्य के कामना करे छथिन उनका सबके हरितालिका दिन व्रत के दिन उपवास रह कर भगवान शिव के अनुष्ठान में अपना समय व्यतीत करक चाहिए। जे महिला अ दिन व्रत नहीं कह यदि अन्न जल के भक्षण करे छथिन ओकरो फलादेश में देल गेल छै। पद्धति के अनुसार कहल जाए छे जे यदि महिला अ दिन अपने के अन्न खाई छथिन तो शुक्री में जन्म मिले छे। फल खेला से बंदरिया में जल पीला से जोंक में दूध पीला से सापिन में दही खेला से बिल्ली में सब प्रकार की चीज खेला से मक्खी में अ दिन यदि मांसाहार करे छथिन तो बाघिन में अ दिन यदि सोई छथिन तो अजगरी में और पति के यदि धोखा दी छथिन तो मुर्गी में उनका जन्म मिले। तय के लिए सब महिला के व्रत करक चाहे उपवास पूर्वक जागरण पूर्वक भगवान शिव के अनुष्ठान में उनकर तपस्या में उनकर लीन रह चाहे। क्रोध अहंकार मात्सर्य ये सबसे वर्जित भ कर शरीर के जितेक शुद्धता पूर्वक रह कर भगवान शिव के अनुष्ठान करक चाहे। भगवान शिव कहे छथिन कि हे देवी जे भी व्रत करता उनकर जे है से सौभाग्य की वृद्धि हैत और उनकर जे है से मनचाहा वर के प्राप्ति हैत और जब भी मरय लगता
तो उनका जो है से अहा के समान यानी माता पार्वती जे समान उनका स्वरूप हो जाए। हे देवी जे भी प्रकार से व्रत करता उनका 1000 सुमेध और सैकड़ों बार रुपये के कला के फल प्राप्त है। इस जीवन में सुख संतान समृद्धि के प्राप्त कर कर भगवान शिव के धाम के प्राप्त हो। भगवान शिव कहे छथिन कि हे देवी जे व्यक्ति प्रकार से कलयुग में भी भगवान शिव के प्रकार से पूजा करता उनका हरेक मनोकामना पूर्ण है। कई प्रकार से हरितालिका तीज व्रत के सबकी शुभकामना और हरेक महिला अपन अपन मन चाह इच्छा के ईश्वर के प्राप्ति करे वही कामना के साथ हमारे इजाजत दिया। धन्यवाद।